प्रसव को लेकर दर्द से छटपटा रही महिला को रांची रेफर किया गया। तब फिर दोबारा 108 एम्बुलेंस पर फ़ोन किया गया ताकि गर्भवती महिला को रांची रिम्स ले जाया जाए, लेकिन इधर 108 एम्बुलेंस ने हाथ खड़ा कर दिया। एम्बुलेंस का कहना है कि रांची रिम्स और डोरंडा के एक भी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, एडमिट नहीं किया जा रहा है। हाँ मैम क्या बोले? मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है? आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है। मैं बोल रही हूँ ना कि इससे पहले बात हुई थी हमारी अधिकारी की, अच्छा। रिम्स में है ना, हाँ। उसमें प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी पेशेंट को ले नहीं रहा है, ठीक है? अच्छा। डोरंडा हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, अच्छा। तो आपका नजदीकी जो भी प्राइवेट या जो भी हॉस्पिटल है पहले देख लीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए, जहाँ पेशेंट का इलाज हो सके वहाँ के लिए रेफर करवा लीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉल कीजिए। डोरंडा मैंने बात कर लिया है, डोरंडा में डॉक्टर नहीं है और रिम्स में एडमिट नहीं ले रहा, लेगा भी तो वो कोरोना जांच करेगा, प्रेगनेंसी केस के लिए नहीं ले रहा है, ठीक है? ठीक है। आपके पेशेंट को प्रेगनेंसी है ना, तो बात कर लीजिए पहले डॉक्टर जी से कि कहाँ अच्छा होगा, उसके बाद आप करवा लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो आज